हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, भिवाड़ी में हरीश बेकरी एवं पुनीत ट्रेडर्स में हुई फायरिंग से जुड़े मामले में एनसीआर में सक्रिय डागर गैंग का मुखिया अमित डागर को भिवाड़ी पुलिस गुरुवार को दिल्ली की मंडोली जेल से भिवाड़ी लेकर आई। इन दोनों ही मामलों में अमित डागर की संलिप्तता पाई गई है। अमित डागर मंडोली जेल से ही गैंग के गुर्गों को दिशा निर्देश दे रहा था। दिल्ली पुलिस एवं भिवाड़ी पुलिस के भारी सुरक्षा घेरे के बीच आरोपी को भिवाड़ी कोर्ट में पेश किया गया। भिवाड़ी पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपी से पूछताछ करने के लिए प्रोटेक्शन वारंट पर रिमांड पर लिया है। 2 घंटे की चली लंबी कार्यवाही के बाद भिवाड़ी कोर्ट ने आरोपी को भिवाड़ी पुलिस के सुपुर्द करने के आदेश जारी किए। इधर भिवाड़ी पुलिस भी पूरे लावलश्कर के साथ आरोपी अमित डागर को फूलबाग थाना लेकर आई। आपको बता दें कि भिवाड़ी में पुनीत ट्रेडर्स व हरीश बेकरी में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। साथ ही करोड़ों रुपयों की रंगदारी मांगी गई थी। इस पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए भिवाड़ी पुलिस ने एक दिन पूर्व ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन मामलों सहित अन्य मामलों के खुलासे के लिए आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अभी आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। सर, गत दिनों भिवाड़ी में 2 जगह फायरिंग हुई है, आप एक मुलजिम को लेकर आए हैं, सर क्या है, कहां से लाए? एक तो पुनीत ट्रेडर्स मुन्ना कबाड़ी और हरीश बेकरी पे जो फायरिंग हुई थी उसमें मेन मुलजिम है अमित डागर। इसके कहने पे, इसके इशारे पे ही फायरिंग हुई थी। उसको आज हमने प्रोडक्शन वारंट से लिया है, तिहाड़ जेल से आज ये कोर्ट में पेश हुआ था। आज हमने कोर्ट से इसको रिमांड लिया, आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें इस मामले में पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।